हरियाणा में लगभग 3 दिन हुई बरसात भले ही थम गई है, लेकिन जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। हरियाणा में कई जगह जलभराव होने के चलते डेंगू मलेरिया जैसे रोग का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि जलजनित बीमारियों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी तैयार नजर आ रहा है। फतेहाबाद यमुनानगर की तस्वीर आप देख रहे हैं, तो तीन तस्वीरें दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं। यमुनानगर की रादौर की तस्वीर भी आपके सामने है। चूंकि बरसात हुई और बरसात होने के चलते जलभराव हुआ, जो कि हर बार की कहानी है, जलभराव होने से बीमारियों का खतरा बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि अपने आसपास साफ सफाई को लेकर भी खास तौर पर ध्यान रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें। तो डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती। बरसात हो रही है और इसको लेकर तमाम जो जगह हैं वहाँ पर जलभराव हो चुका है, जिसके कारण लगातार मच्छरों की भी अब जिले में भरमार हो चली है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर CMO हैं डॉक्टर विनय गुप्ता, इनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, कितने मामले अभी तक डेंगू के और मलेरिया के सामने आ चुके हैं? हमारे पास 3 मामले मलेरिया के और 7 मामले डेंगू के अब तक आए हैं। बरसात की वजह से जहाँ जहाँ जल भर रहा है, जल इकट्ठा हो रहा है, उस जगह पर हमारी टीमें जा जाकर डिफरेंट एरियाज़ के अंदर उनको देख रही है, और जहाँ पे जलभाव है वहाँ टेमीफॉस की दवाई कूलरों में और मटके जो भी ओपन पड़े हुए हैं, टायर वगैरह रखे हुए, सबके अंदर दवाइयाँ डाली जा रही है और उनके चालान भी काटे जा रहे हैं और उनको समझाया भी जा रहा है कि इस तरह से कहीं पे भी जलभाव जल इकट्ठा ना हो, जिसके अंदर की डेंगू का मच्छर तेज़ी से फैल सकता है, लार्वा पनप सकते हैं जो कि एडल्ट फॉर्म में जाके डेंगू को फैला सकते हैं। इसके अलावा बात करें डॉक्टर साहब, क्या कोई टीमों का गठन किया गया है ताकि इन पर रोकथाम हो सके? क्योंकि जिस तरीके से डेंगू के मामले भी सामने आए, मलेरिया के भी मामले सामने आ चुके हैं और अब जिस तरीके से जल भराव लगातार पूरे फरीदाबाद में आप देख रहे हैं। बहुत सारी टीमें जुलाई के महीने से ही हमने बना दी है और ब्रीडिंग चेकर्स भी हमने कुछ लिए थे, जो कि जा जाकर सभी घरों के अंदर चेकिंग कर रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं, उनका चालान भी काट रहे हैं और दवाइयाँ डालने के बारे में भी बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो डेंगू का मच्छर है वो दिन के समय में जो है ज़्यादा एक्टिव रहता है और उससे बचाव के लिए कहीं ना कहीं पूरे जो है कपड़े आपको पहनने चाहिए ताकि इस डेंगू की जो बीमारी है उससे बचा जा सके और आप स्वस्थ रह सकें। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया।